हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत राज बेटा। हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 47 वाला लेक्चर कराने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फास्फोरस। आज बच्चों हम फास्फोरस के जैविक महत्व को समझेंगे। इससे पहले बेटा हमने आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम तथा पोटेशियम के जैविक महत्व को समझाया। आज पढ़ने जा रहे हैं हम फास्फोरस का जैविक महत्व। आपका टॉपिक है फास्फोरस। पी द्वारा इसे डिनोट करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं फास्फोरस। फर्स्ट लाइन है फास्फोरस हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है या उपस्थित होता है। फास्फोरस इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। फास्फोरस हमारे शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ठीक है बेटा, फास्फोरस जनरली सभी एसेंशियल एलिमेंट से अधिक पाया जाने वाला एसेंशियल एलिमेंट है। आपने देखा था कैल्शियम भी सभी कोशिकाओं में नहीं पाया गया, ना ही मैग्नीशियम, ना ही सोडियम और ना ही पोटेशियम। लेकिन फास्फोरस क्या है, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, उपस्थित होता है। ठीक है, इन एडल्ट बॉडी या कह सकते हैं एन एडल्ट बॉडी, एक व्यस्त शरीर, एक व्यस्त शरीर बेटा कंटेंस अबाउट 1 किलोग्राम ऑफ फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट्स। अर्थात बेटा एक व्यस्त शरीर जो होता है उसमें लगभग 1 किलो, कितना, 1 किलोग्राम फास्फोरस होता है। या हम कह सकते हैं एक एडल्ट बॉडी लगभग 1 किलोग्राम फास्फोरस कंटेन करती है। ओके, यह है एन एडल्ट बॉडी कंटेन्स अबाउट 1 किलोग्राम ऑफ फास्फोरस। अब किसके रूप में मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट के रूप में मिलता है। इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेटों के रूप में हमें एक व्यस्त शरीर में लगभग 1 किलोग्राम फॉस्फोरस मिलता है। ठीक, अब देखिए बेटा, अब वो जो 1 किलोग्राम टोटल है 100%, उसका 75%, कितना परसेंट, 75% हड्डियों तथा दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मिलता है। नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा है बेटा अबाउट 75% ऑफ फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इन वॉल्व एंड टीथ। लगभग बेटा हमारी बॉडी का टोटल फॉस्फोरस 100%, उसमें से 75%, मतलब 1 किलोग्राम का 75%, 750 ग्राम, लगभग ऑलमोस्ट 750 ग्राम हमें हड्डियों तथा दांतों में मिलता है कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में। किस रूप में मिलता है, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हमें मिलता है। ओके, तो ये लाइन है बेटा अबाउट 75% ऑफ फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इन बोन्स एंड टीथ। यहां व्हाइल, जबकि बेटा, जबकि 10-20%, जबकि बच्चों 10-20%
10 से 20% फॉस्फोरस, वाई 10 to 20% ऑफ फॉस्फोरस इज एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलता है प्रोटीन, लिपिड्स इन ब्लड एंड मसल्स। जबकि 10 से 20% बेटा फॉस्फोरस हमें रक्त तथा मांसपेशियों, रक्त तथा मांसपेशियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड्स के साथ मिलता है या के साथ एसोसिएटेड होता है। अब देखिए बेटा वाइल्ड 10 to 20% हो गया, ये हो गया। अब देखिए फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटीपी, एटीपी फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, डीएनए, आरएनए, कोएंजाइम नॉट एनएडी एंड एनएडीपी। देख लीजिए, समझ लीजिए बेटे स्टूडेंट को क्या कहते हैं फास्फोरस। फास्फोरस बहुत सारे जैसे कि फास्फोरस एडीपी, एटीपी, फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, डीएनए, आरएनए, नाइट्रोजन, एनएडीपी इत्यादि का आवश्यक अवयव होता है, का आवश्यक अवयव होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बेटा एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, डीएनए, आरएनए, कोएंजाइम नॉट एंड एनएडीपी ईटीसी इन सभी का इत्यादि है भी और भी हो सकते हैं इत्यादि का आवश्यक अवयव होता है, कंस्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, तो ये लाइन है बेटा आपकी फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटीपी, एटीपी फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, डीएनए, आरएनए, एंजाइम, एनएडीपी। लेकिन बेटा आप देखते हैं प्रेजेंट थ्रू आउट दी बॉडी ये एटीपी, एटीपी फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, डीएनए, आरएनए, कोएंजाइम, एनएडीपी हमारे शरीर में उपस्थित जो होती है उनमें बेटा एसोसिएट फॉस्फोरस के स्रोत, सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस। तो देखिए फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन मिल्क, चीज, एग, मीट, ऑल रूट्स, गार्लिक, लीफी वेजिटेबल्स, ग्रेन्स इत्यादि। अर्थात बेटा फॉस्फोरस दूध, पनीर, अंडे, मीट सभी बेटा रूट्स जो होती है जैसे आलू है, शकरकंद है, मतलब जिनकी रूट्स भी एडिबल हैं उन सभी रूट्स में भी हमें फास्फोरस मिलता है। लीफी वेजिटेबल्स, पत्तियों वाली सब्जियां, ग्रेन्स, अनाज इत्यादि इनमें हमें फास्फोरस मिलता है। एंड एडल्ट में नीड्स अबाउट 1.5 ग्राम ऑफ फास्फोरस पर डे। अर्थात बेटा एक व्यस्त व्यक्ति, एक व्यस्त व्यक्ति के शरीर को 1.5 ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। कितने ग्राम? 1.5 ग्राम लिखा है। एन एडल्ट में नीड्स अबाउट 1.5 ग्राम ऑफ फास्फोरस पर डे। अर्थात रोजाना बेटा 1.5 ग्राम फास्फोरस की एक व्यस्त व्यक्ति के शरीर को आवश्यकता होती है। अब देख लेते हैं इसके बारे में सिग्निफिकेंस जैविक में। देखिए फास्फोरस है इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ। अर्थात बेटा फास्फोरस दांतों, हड्डियों के
निर्माण में सहायता करता है, कि निर्माण में सहायता करता है। दूसरा देखते हैं, इट प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन एडीपी एटीपी एंड अदर हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड। बेटा यह एडीपी एटीपी तथा अन्य उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट यौगिकों में एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड देख लेते हैं इसमें बेटा, थर्ड बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या है। सोडियम तथा पोटेशियम लवण किसके बेटा, फॉस्फोरिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण ब्लड बफर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्लड बफर, रक्त को बेगर्मी बना देते हैं, विच है जो सहायता करता है इनकी लेवरेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, जो कि बेटा एसिड बेस संतुलन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब देखते हैं फूड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इट इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अर्थात बेटा यह कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के उपापचय, ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय अवशोषण के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स, आगे बढ़ते हैं इसके औषधीय गुण। देखिए इसमें द एक्सेस ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस की अधिकता इस रूप से, फास्फोरस की अगर बॉडी में एक्सेस हो गई तो वो क्या रोल करेगी, क्या कार्य करेगी, टॉक्सिक की तरह बिहेव करेगी, निगेटिव रोल अदा करेगी, टॉक्सिक की तरह बिहेव करेगा। इट मे लीड टू किडनी फेलियर, इससे और क्या हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है बेटा, ब्रेथ या गुर्दे नष्ट हो सकती है बेटा, नष्ट किडनी फेलियर, ट्यूमर, एसिडोसिस हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, लेस फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, अर्थात शरीर में हार्मोन कम भी बन सकते हैं, या हार्मोनों का कम निर्माण होगा आपकी बॉडी में यदि फास्फोरस की कमी है तो। ठीक है, एसिडोसिस हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, और लेस फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। ठीक, ये सारे नेगेटिव रोल है यदि फास्फोरस आपकी बॉडी में एक्सेस में हो जाता है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं ये तो एक्सेस से होने वाले रोग थे, अब देखते हैं कमी से क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर। दी डिफिशियंसी ऑफ फास्फोरस लीड्स टू पुअर मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। अर्थात बेटा फास्फोरस की कमी से क्या होता है, दी डिफिशियंसी ऑफ फास्फोरस लीड्स टू पुअर मिनरलाइजेशन, इससे क्या होता है बेटा, खनिज लवण हमारे हड्डी तथा टीथ को बहुत ही कम मिलती है। ठीक है, रिकेटस हो सकता है, सूखा रोग, लॉस ऑफ एपेटाइट की हानि हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी आना, वीकनेस कमजोरी हो सकती है, वेट लॉस, आपका वजन कम हो सकता है, लीवर डिजीज हो सकती है। तो ये थे आपके फास्फोरस की कमी से होने वाले कुछ सिम्टम्स या कुछ रोग या कह सकते हैं नेगेटिव रोग। ठीक है, रोग या नेगेटिव रोग ऑफ फास्फोरस क्या क्या हो सकता था, लीड्स टू पुअर मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, रिकेटस, लॉस ऑफ एपेटाइट, वोमिटिंग, वीकनेस, वेट लॉस, लीवर डिजीज, इत्यादि। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।